न्यूज हलवा के वार्ड नंबर 11 में पहुंच चुकी है और जन चौपाल के माध्यम से नगर पार्षद में खड़े प्रत्याशियों के बारे में जनता की राय जानने पहुंची है। क्या यहां पर कितनी समस्या है, कितना समस्या का निदान हुआ है, प्रत्याशी कौन कौन से वादे कर रहे हैं और कितने वादे पिछले प्रत्याशी इन लोगों के पूरा किए हैं, तो ये जानते हैं। सबसे पहले हमारे साथ एक शख्स है, क्या नाम हुआ आपका? संदीप कुमार गुप्ता। क्या क्या समस्या है आपके वार्ड में? देखिए, हमारे वार्ड की समस्या तो अक्सर सभी में होता है, सब आपने खाली हमारे वार्ड का ही है। कुछ है अगला वार्ड करना भी चाहता है तो उसको जगह नहीं मिल पाता है, अब कुछ करना भी नहीं चाहता है, तो मिला के हम यही चाहेंगे कि हमारे वार्ड का समस्या दूर हो। पानी जो बहाव हो रहा रोड पे, या तो किसी को अगर मिला है बनने के लिए, बनाने के तैयार भी है तो जगह को दिया नहीं जा रहा, तो उसमें कुछ जन का भी कमी है, कुछ बाढ़ कमीशनर की भी कमी है, ऐसा नहीं कि एक तरफ से ही होता है। इस बार जो जनप्रतिनिधि आ रहे हैं, क्या क्या वादा है उनका? वादा तो देखिए हर एक साल होता है, नहीं पूरा तो नहीं किया जा पाता है। हाँ, ये सपोर्ट, देखिए सपोर्ट तो मत है, इस तो कहा नहीं जा सकता है, जो भी है हम लोग बढ़िया लगेगा उस समय पर हम लोग अपना मतदान करेंगे, फिर भी क्या बढ़िया बढ़िया आदमी को लाएंगे। क्या लग रहा है फिर भी कि पब्लिक के बीच में किनका ज्यादा रुझान है? पब्लिक के अंदर तो देखिए अपना दो तीन है, जो दो तीन में टक्कर है तो छः खड़ा, सात सात खड़ा, लेकिन नहीं है, दो है और छवि अच्छा हो। हाँ, लेकिन इसमें तो अभी ये नहीं कर सकते हैं, या फिर अन्य गांव है ना, काम करे गांव है तो इसमें उनके लिए उनके पक्ष में। तो मतलब क्या लग रहा है कि इस बार जो आप जनप्रतिनिधि का चुनाव करेंगे वो सही में आपकी उम्मीद पे खरा उतरेंगे? उम्मीद तो है, उम्मीद तो है, उम्मीद हम उनसे कर रहे हैं कि हमारे जो प्रतिनिधि हैं उनसे हम उम्मीद कर रहे हैं कि वो काम करेंगे। आइए सर, अंधेरा में कहाँ है? नहीं नहीं नहीं, क्या 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 समस्या है बताइए पहले, समस्या थोड़ा सा बताइए। देखिए अभी समय देखने के बाद ही पता चलेगा क्या नया आगे, ऐसे थोड़ी कोई बता सकता है कि क्या होगा नहीं होगा। समस्या किस तरह की समस्या से अभी जूझ रही है यहाँ की जनता? समस्या तो देखिए बहुत तरह सर, हमारे हमारे वार्ड में बहुत सारी समस्या जो क्या बहुत तरह है। आज जो है कि मतलब प्रधानमंत्री आवास योजना वगैरह वगैरह जो भी है उसमें बहुत सारे करप्शन हुआ है और उनसे जनता जूझ रही है, तो मैं चाहता हूं कि जो भी प्रतिनिधि हो अच्छा प्रतिनिधित्व हो, पढ़े लिखे व्यक्ति हो और समाज के लिए और हमारे 25 वार्ड के लिए अच्छा काम कर सके, हम उनको चुनना चाहते हैं। चलिए, और बदलाव जरूरी है, मतलब इस बार जनता पूरे बदलाव के मूड में है। हमारे साथ कुछ चाचा हैं, कुछ बोतल लेके जा रहे हैं। क्या क्या समस्या है यहाँ पर, समस्या क्या है यहाँ का वार्ड में? यहाँ क्या रहेगा, यहाँ नाला बना हुआ नहीं है, और क्या इसे काम होना चाहिए। कौन सा जनप्रतिनिधि चुन रहे हैं, क्या लगता है? जो अच्छा होगा उसको चुना जाएगा, कुछ तो दिमाग में चल रहा होगा, कुछ दिमाग अभी क्या करें, उस दिन सोचा जाएगा। कंप्यूटर में फाइल है। क्या क्या समस्या है इधर बताइए थोड़ा सा। समस्या बहुत है, ऐसा बात थोड़ी है कि कोई समस्या नहीं। तो मतलब अभी जनप्रतिनिधि जो चुन रहे हैं लगता है कि काम होगा? ये तो ऊपर वाला जाने, मैंने कुछ लोग कतराते नजर आ रहे हैं, कुछ जो चाचा बैठे हुए इनसे ही बात कर लेते हैं। क्या लगता है इस बार क्या होगा, आपके वार्ड का विकास होगा? कुछ विकास, विकास वार्ड में चुनेगा तो विकास होगा, तो कुछ तो दिमाग में चल रहा होगा, एक एक करके ही 100 बनता है। तो होगा सबको विचार जो होगा, अभी तो फाइनल नहीं हो सका, फाइनल नहीं, फाइनल अभी नहीं हो। कुछ मैंने लग रहा होगा ना कि चर्चा बाजार में कि कौन से प्रत्याशी हैं, हो रहा है चर्चा हो रहा है। समस्या क्या है यहाँ पर? समस्या की ज्यादा संख्या में सब खड़ा हो गया है, इसलिए कि समस्या है, मगर फिर भी चुनेंगे अपने हिसाब से, तो अपने हिसाब से चुनना पड़ेगा प्रत्याशी का चुनाव। हम बोलना चाहते हैं जो भी हो कुछ यूनिक होना चाहिए और इस गांव के लिए कुछ यूनिक होना चाहिए। क्या यूनिक, कुछ नया, क्या कुछ विशेष से विकास होना चाहिए यहाँ के, विकास नहीं हो पाता है, सब आता है यही बोलते हैं हम ही हमारे करेंगे, विकास नहीं कर पाते करेंगे, लेकिन कुछ होता नहीं है। यहाँ का युवक को क्या, मैंने युवा यही चाहता है कि कुछ यूनिक हो, यूनिक हो, जो भी हो अच्छा हो, जो विकास, लेकिन जो विकास कर सके, जो विकास में विकास करे, मतलब इस बार तो कुछ तो हम लोग बाहर काम करने वाले होते हैं, दिल्ली मुंबई काम करने वाले हैं, हम लोग को रोजगार कुछ है नहीं यहाँ पे, तो इसके लिए हम लोग के विषय में कुछ सोचा जाए। मतलब देखिए इस बार जो आप चुनाव करेंगे वो आपके बारे में सुनेंगे, सोचेंगे, जानेंगे और आपको कुछ, ताकि हम लोग बाहर घर परिवार छोड़ के जाना नहीं हो। हाँ, हम लोग यही जॉब मिले तो हम लोग बाहर। इस बार मानी
कैसे प्रत्याशी आ रहे हैं, क्या लगता है मैंने थोड़ा सा कुछ? देखिए हम लोग तो यही लग रहा है कि जो उम्मीद तो जो भी खड़ा होगा हम तो चाहते हैं अच्छा हो, खुलकर आने तो जो शैलेश कुमार को दे रखे हैं। शैलेश कुमार जी, तो एक नाम आ रहा है कि मैं यहाँ की जनता शैलेश कुमार को अपने दिलों में लगता बसा के रखी है और इस बार अपना मत देकर या अपना आशीर्वाद देकर उनको ये पद जरूर दिलाएगी। अभी सभी लोग प्रचार प्रसार में भी लगे हुए हैं, जनता भी पहले से जागरूक हो चुकी है और अब सही और गलत का वो खुद से चुनाव कर सकती है। जैसे कुछ लोग बाहर भी यहाँ काम करने वाले अभी जैसे सामने थे जो बताया कि बाहर काम करना पड़ रहा है, यहाँ पर रोजगार नहीं है, नाली का भी समस्या बताया है और कुछ, और एक नाम आया है शैलेश कुमार। अब देखना है कि जनता को उनका कितना प्यार मिल पाता है। यहाँ के क्या हुए आप इस वार्ड के? ये वार्ड कमिश्नर आप खड़े हुए हैं यहाँ पर, आपको सबसे बड़ी समस्या क्या दिख रही है इस वार्ड में? सबसे बड़ी समस्या है नाला रोड सबका दिक्कत का है। और यहाँ जो जनता का प्यार है आपको मिल रहा है? मिल ही रहा है, क्योंकि जिस तरह से अभी आपको बुलाया गया तो वैसे तो लग रहा है कि आपको प्यार मिल रहा है। मिल ही रहा है ने? तो मतलब इस बार आपको लगता है कि जनता जो आपसे उम्मीद लगा के बैठी है उसमें खड़ा चाहिए, जनता का डिमांड है अरुण क्यों वो सब जनता देख रही है सब। हमारा जन चौपाल लगाने का मकसद एक ही है कि लोगों की राय को जान सके, उनकी समस्या को जान सके और इनकी समस्या को खड़े हो रहे प्रत्याशी तक पहुंचा सके, ताकि वो भी अगर खड़ा होने का उम्मीद मन बनाए हैं तो इनकी समस्या को सबसे पहले सुन करके समाधान कर सके। 365 दिन आपके साथ, अपडेट खबरों को देखने के लिए देखते रहें खबर 365 न्यूज, साथ ही लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।